देवघर पुलिस ने 14 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को SDPO पवन कुमार ने इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि इन दिनों पुलिस ने साइबर अपराध कर्मियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। बता दें कि SDPO ने इन साइबर अपराधियों के पास से 25 मोबाइल, 52 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 2 चेकबुक और एक लैपटॉप बरामद किया है। 20/8/21 को साइबर थाना अंतर्गत को सूचना प्राप्त हुई थी कि पथरटा ओपी कराओ तथा पालाजोरी के डिफरेंट गांव में बहुत से साइबर अपराधी फोन फिशिंग के माध्यम से साइबर अपराध कारित करते हैं। उपरोक्त सूचना के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक देवघर के दिशा निर्देश में साइबर DSP नेहावाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर थाना प्रभारी नेहावाला मैम एवं इसके सदस्य बल थे। इनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से डिफरेंट गांव जो थाना के बारे में मैंने बताया, उनके डिफरेंट गांव से टोटल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से टोटल 25 मोबाइल जो इस साइबर घटना को कारित करते थे, उसमें जो 25 मोबाइल, टोटल 52 सिम, 2 चेकबुक, 2 कैशबुक और 2 पासबुक जब्त किया है, ताकि साथ ही एक लैपटॉप भी जब्त किया है। हम लोग विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहे हैं। उनमें 2 व्यक्तियों कन्हैया और एक और व्यक्ति हैं जिनका कन्हैया है और अभियुक्त प्रशांत सिंह है, इनका पूर्व में साइबर थाने में आपराधिक इतिहास है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।